ब्रिज पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया है। अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे। 15 मिनट बाद ही वे दिल्ली लौटेंगे। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन के पार्किंग में भी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 1:00 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा। 10 जुलाई शनिवार को पद्म पैलेस रामपुर में 2:00 से 2:30 बजे तक पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 3:00 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को शिमला पहुंचे। नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अब 1,000 रुपए से महंगी पुस्तक नहीं खरीदेगा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए अब 1,000 रुपए से अधिक कीमत की पुस्तकें नहीं रखी जाएंगी। बीते वर्षों में चहेते नेताओं, सेवानिवृत्त अफसरों और प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदी गईं। वर्तमान में जारी पुस्तक खरीद प्रक्रिया पर लगे आरोपों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने महंगी पुस्तकें न खरीदने का फैसला लिया है। इस वर्ष खरीदी जाने वाली पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया की इन दिनों जाँच जारी है। NDA परीक्षा में बाथड़ी के आदित्य देश भर में प्रथम, लगातार 4थी पीढ़ी सेना में करेगी सेवा। नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के बाथड़ी गांव के आदित्य सिंह राणा ने देश में पहला स्थान अर्जित कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। UPSC की ओर से नतीजे घोषित किए गए हैं। आदित्य ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद SSB साक्षात्कार उत्तीर्ण करने वाले 486 विद्यार्थियों में बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। आदित्य के परिवार से लगातार 4थी पीढ़ी सेना में सेवा करेगी। असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए आवेदन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा। आवेदन करने के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। हालांकि बोर्ड अभी यह तय नहीं कर पाया है कि परीक्षार्थी से कितना परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। अधिकतर स्कूलों की ओर से बोर्ड द्वारा मंगवाया गया डाटा अपलोड कर दिया है। दोनों ही कक्षाओं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा देने का अवसर भी बोर्ड देगा। हालांकि अभी बोर्ड ने परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी देगा। धर्मशाला में पर्यटकों सहित दुकानदार व ग्राहक नहीं लगा रहे मास्क। मास्क ना पहनने की प्रवृत्ति फिर से कहीं संकट ना बढ़ा दे। धर्मशाला में पर्यटकों सहित दुकानदार व ग्राहक बेखौफ हो गए हैं। यहाँ पर कोविड-19 महामारी का कोई डर नहीं रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ना तो मास्क पहना जा रहा है और ना ही 2 गज शारीरिक दूरी रखी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोविड-19 महामारी जैसी कोई बात ही नहीं हुई हो। सब पहले जैसा ही सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती बरतते हुए और चालान भी काट रहा है। कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर ने काफी कुछ प्रभावित किया। कई अपनों से बिछड़ गए, लेकिन अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में व खासकर यहां आ रहे पर्यटकों में इसका भय खत्म हो गया है। इस तरह से बेखौफ हो जाना तीसरी लहर को न्योता देना ही है। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।